हरियाणा में जीत सामने देख रही कांग्रेस को अंत में हार नसीब हुई। इस करारी हार को अब तक कांग्रेस हजम नहीं कर पाई। इस नतीजे की एक वजह ओवर कॉन्फिडेंस मानी जा रही है और यही वजह है पार्टी अब महाराष्ट्र में हर कदम फूक फूक कर रखना चाहती है। अब कांग्रेस ने अनुभवी नेताओं की फौज महाराष्ट्र में उतारी है। इनमें 3 पूर्व सीएम, 2 पूर्व सीएम, 1 मौजूदा डिप्टी सीएम और 4 मौजूदा मंत्री हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 11 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए। इनमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पार्टी महासचिव सचिन पायलट के नाम प्रमुख हैं। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक गहलोत और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर को मुंबई एवं कोंकण क्षेत्र, भूपेश बघेल पंजाब के पूर्व सीएम, चरणजीत सिंह चन्नी और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को विदर्भ क्षेत्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और तेलंगाना सरकार में मौजूदा मंत्री उत्तर कुमार रेड्डी को मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने अलर्ट भी किया कि आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, एकजुट होकर काम करें और किसी भी तरह के अति आत्मविश्वास से बचें। वहीं झारखंड के विधानसभा चुनावों का भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत से रोकने वाली कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अच्छे नतीजे लाएगी। खासतौर पर हरियाणा में तो पार्टी को अपने दम पर सत्ता की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे ने चौंका दिया। भाजपा लगातार 3री बार हरियाणा में जीत गई है। अब बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत का भरोसा जग गया है, जबकि कांग्रेस वहां अब सावधानी के साथ ही चलना चाहती है। अब तक कांग्रेस महाराष्ट्र में इस भरोसे में रही कि वो पहले नंबर पर रहेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग भी इंडिया अलायंस के लिए एक चैलेंज है। उद्धव ठाकरे गुट सबसे ज्यादा सीटें चाहता है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। हालांकि इस बात पर तीनों के बीच सहमति दिखती है कि वो किसी भी हाल में एक साथ ही चुनाव में उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।